नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू सीधी तस्वीरें आपको गांव अबूब शहर से दिखा रहे हैं, जहां पर कांता चौटाला के पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हो रहा है। और वहीं पर आतिशबाजी आप देखिएगा, पटाखों के साथ आतिशबाजी के साथ जो कांता चौटाला तो गांव अबूब शहर में कांता चौटाला के पहुंचने पर ट्रैक्टर रैली के जरिए उनका गांव में स्वागत हो रहा है। ये तस्वीर देखिएगा आप, जब लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार थमने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, तो तब गांव अबूब शहर में कांता चौटाला के पहुंचने पर उनका ट्रैक्टर रैली निकालकर यहां पर स्वागत किया गया है। और बड़ी संख्या में जो महिलाएं, गांव के जो लोग हैं, वो गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं और नाच कर उनका जो गांव में आगमन पर खुशी मनाई जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ट्रैक्टर से एक रोड शो निकालकर, रैली निकालकर गांव की ओर से जो कांता चौटाला का यहां पहुंचने पर स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर देखेंगे आप अबूब शहर से, जहां पर लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी संदीप लोट वाल्मीकि के समर्थन में इनेलो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और एक बड़े काफिले के साथ जो इनेलो नेत्री कांता चौटाला है वो उनका समर्थन करने के लिए, अपील करने के लिए पहुंची है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़े गाड़ियों के ट्रैक्टर रैली के साथ काफिले के, तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गांव अबूब शहर के गांव के बीच से ट्रैक्टर यात्रा के साथ, एक बड़े रोड शो के साथ जो कांता चौटाला है वो अबूब शहर में पहुंची है और ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजी के साथ उनका गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इनेलो की तरफ से पूरी चुनावी जो ताकत झोंकी गई है और इनेलो के लोकसभा प्रत्याशी जो संदीप लोट वाल्मीकि के समर्थन में जो अभय चौटाला की धर्मपत्नी कांता चौटाला की ओर से जो चुनावी प्रचार किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर रैली एक बड़े रोड शो के साथ जो कांता चौटाला का गांव अबूब शहर में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। और इससे पहले रिसालिया खड़ा की बात की जाए, डवाली की बात की जाए, ओडा ब्लॉक की बात की जाए, तो गांव-गांव में उनकी जो आज जनसभाएं हुई, ज्वाइनिंग के कार्यक्रम रहे और अब इसी बीच जो उनका आज के दिन का आखिरी जो कार्यक्रम है चुनाव प्रचार थमने से पहले डवाली विधानसभा का, वो तस्वीरें हम आपको गांव अबूब शहर से दिखा रहे हैं जहां पर एक भव्य रोड शो के साथ जो कांता चौटाला गांव में पहुंची है और उससे पहले ग्रामीणों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाल कर जो उनका स्वागत किया गया है। जहां पर गांव अबूब शहर में कांता चौटाला के पहुंचने पर भव्य स्वागत उनका हो रहा है ढोल नगाड़ों के साथ, जहां पर कांता चौटाला पहुंची है और आतिशबाजी के साथ गांव में पहुंचने पर कांता चौटाला का आसमान में जमकर आतिशबाजी हो रही है और गांव की महिलाओं की ओर से कांता चौटाला को जो फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो ये पूरा जश्न का माहौल है, वो चुनाव के आखिरी पलों में एक जश्न का माहौल है वो गांव अबूब शहर में इनेलो के पक्ष में देखने को मिल रहा है, जहां पर भव्य आतिशबाजी हो रही है जैसे यहां पर दीपावली का माहौल हो। और दूसरी तरफ कांता चौटाला अपने तमाम बड़े नेताओं के बीच में यहां पर पहुंची है और आप देख रहे हैं कि फूल मालाओं के साथ जो गांव की महिलाएं हैं वो कांता चौटाला का यहां पर पधारने पर, पहुंचने पर स्वागत कर रही है। और उस वक्त में जब चुनाव आखिरी पड़ाव में है, 25 मई को मतदान होना है, तो ऐसे में अब कांता चौटाला की ओर से धुआंधार जो प्रचार है वो किया जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनका भव्य जो गांव में पहुंचने पर ग्रामीण महिलाओं की ओर से स्वागत किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और मैं जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में और वो भी रात के 10 बजे मेरी माताएं बहनें आई हैं,
खासकर महिलाएं जो हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, समस्त अबूब शहर के वासियों का, कि जिन्होंने इतनी रात को हमें इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया और इतने भव्य तरीके से हमारा स्वागत किया। चुनाव प्रचार करने में कुछ ही घंटों का वक्त रह गया, कैसे देखते हैं, किस तरीके का चुनाव कैंपेनिंग हुई और कैसा है? हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये सरकार से लोग तंग हैं और लोगों ने कांग्रेस को भी आजमा रखा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि बीजेपी तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं लोग उनसे इसलिए नाराज हैं और उनसे तंग भी हैं कि भी उनको पहले दो बार जिता चुके हैं तो वो जीत के दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन हम जो हमेशा लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं और जो हमने उम्मीदवार उतारा है वो हमेशा आम जनता के बीच में रहते आए हैं, इसलिए लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं कि वो बहुत ही साफ दिल, सादगी के प्रतीक है, तो उनकी तरफ लोगों का रुझान बहुत बढ़ रहा है और हमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। अभी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जो प्रियंका गांधी वो भी सिरसा में रोड शो करने जा रहे हैं, कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं ऐसे वक्त में? मैं यही कहूँगी कि अगर प्रियंका जी को आना पड़े तो फिर आप समझ लीजिए कि इन लोग कितनी बढ़त ले रही है, यहीं से ये साबित हो जाता है कि इन लोग की इतनी बढ़त ले के जीतेंगे हमारे उम्मीदवार जो है। मुकाबला कांग्रेस से बात को भी सिंह चौटाला ने भी साफ किया है कि किसी से कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया है कि इनेलो ने शैलजा के साथ समझौता कर लिया, अब इनेलो वाले भी जेजेपी को वोट देंगे। मैं यही कहने के लिए गांव में जा रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि अफवाह हमारे फैलाई हुई है कुछ लोगों ने, मैं सबको कहती हूं कि भाइयों इस अफवाह में मत आना, इस अफवाह से भ्रमित मत होना, क्योंकि देखो वो तो चाहेंगे कि भी हम कमज़ोर रहें, ठीक है, लेकिन उनके चाहने से नहीं होता, ये जनता के और ऊपर वाले के चाहने से होता है और हमारा उम्मीदवार जीत रहा है इसलिए उन्होंने ये अफवाह फैलाई है। हम रात दिन 48 डिग्री टेम्परेचर में अपने उम्मीदवार को जिताने के घूमेंगे, आप भी तो अपने चैनल के लिए घूम रहे हो ना, तो इससे मैं तो उनकी बौखलाहट पता चलती है और मैं जनता से, सिरसा की जनता से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इस अफवाह में ना आए और इनेलो को ही जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।